एवरीवन, व्हाट्स अप, दिस इज मंची फ्रॉम प्राइस सिटी प्रॉपर्टी गुरु से आ गई हूँ एक और नए प्रोजेक्ट के साथ और दिस इज लोकेटेड इन न्यू चंडीगढ़ बाय द नेम ऑफ अंबिका फ्लोरेंस पार्क। और अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो ये न्यू चंडीगढ़ का पहला ग्रुप हाउसिंग है जो आपको रेडी टू पोजीशन दे रहा है। और अगर मैं इसकी कनेक्टिविटी की बात करूं तो ये PR7 एयरपोर्ट रोड से कनेक्टेड है। तो मैं प्रोजेक्ट की एंट्रेंस में हूं, यहां हमारे लेफ्ट और राइट में कमर्शियल एरिया रहेगा। सो दिस इज आवर एक्चुअल फ्लैट जिसकी मैं बात कर रही थी, जो कि 4 BHK प्लस 1 सर्वेंट रूम है। जो हमारा सर्वेंट रूम रहेगा वो हमारे फ्लैट से बिल्कुल अलग रहेगा। सर्वेंट रूम के साथ हमें एक अटैच वॉशरूम विद बालकनी प्रोवाइड की गई है यहाँ पे। आपकी पूरी प्रिवेसी को ध्यान रखते हुए हमने सर्वेंट रूम फ्लैट से अलग बनाया है। तो अब चलते हैं अपने फ्लैट में, आइए। तो एंटर करते ही आपका ये लिविंग रूम रहेगा, देख सकते हैं आप, काफी ह्यूज है ये, है ना। आप इसको यहाँ पे अपने सोफे असेंबल कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ अगर मैं टाइल्स की बात करूँ तो पूरे फ्लो में आपको प्रीमियम विट्रीफाइड टाइल्स मिलेगी। आप हैवी फॉल सीलिंग देख सकते हैं, ये आपको एज इट इज मिलने वाला है। इस लिविंग रूम के साथ अटैच आपको एक बालकनी मिलेगी। सो ये है हमारा बालकनी, काफी स्पेशियस है ना। तो जो ये हमारा गेस्ट रूम है ये उससे भी कनेक्टेड है। सो दिस इज आवर लिविंग कम डाइनिंग एरिया, यहाँ पे आप अपने डाइनिंग टेबल असेंबल कर सकते हैं। आपको इसके अलावा यहाँ एक स्पेस नजर आ रही होगी, ये आप अपना पूजा रूम बना सकते हैं या अपने किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हैं। डाइनिंग एरिया से अटैच आपको एक किचन नजर आ रहा होगा, दिस इज आ किचन। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी आपको कबर्ड्स वगैरह नजर आ रहे हैं ये सारे आपको एज इट इज प्रोवाइड किए जाएंगे। सेपरेट सेक्शंस फॉर यूटेंसिल्स, क्रॉकरी कैबिनेट्स, ये सब कुछ आपको अवेलेबल किया जाएगा। और यहाँ जो भी आप फिटिंग्स वगैरह देख रहे हैं ये सब आपको ब्रांडेड फिटिंग्स मिलेंगी। और इस किचन के साथ आपको एक अटैच बालकनी मिलेगी जो आप इसको अपना वॉशिंग एरिया भी यूज कर सकते हैं। इसका एक्सेस हमारा सर्वेंट रूम से भी है। तो अब चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। सो दिस इज आवर फर्स्ट बेडरूम, आप देख सकते हैं काफी स्पेशियस है यहाँ पे, आप अपने यहाँ कवर्ड वगैरह लगा सकते हैं। आपको एसी की डिडक्टिंग मिलेगी, जितने भी इलेक्ट्रिकल स्विचेस वगैरह हैं वो सब आपको मिलेंगे यहाँ पे। इस रूम के साथ आपको एक अटैच वॉशरूम मिलेगा, यहाँ पे एंटीस्केट टाइल्स यूज की गई है, ऑल ब्रांडेड फिटिंग्स। आपकी वेंटिलेशन का ध्यान रखकर आपको यहाँ विंडो प्रोवाइड की गई है। इस रूम के साथ आपको अटैच एक बालकनी भी मिलेगी। तो अब हम चलते हैं अपने सेकेंड बेडरूम। सो दिस इज आवर मास्टर बेडरूम, यहाँ आपको पूरे रूम में वुडन फ्लोरिंग मिलेगी। यहाँ अपना बेड लगा सकते हैं, चेयर्स लगा सकते हैं, आप इसे कैसे भी छोटी छोटी चीजें करके डेकोरेट कर सकते हैं। इस रूम के साथ अटैच आपको एक बालकनी मिलेगी। जो ये हमारी ये बालकनी है ये फर्स्ट बेडरूम से भी अटैच है। इस रूम के अटैच आपको एक ड्रेसिंग रूम मिलेगा। एक और चीज मैं आपके नोटिस में ले आऊं, जो आपको यहाँ स्पेस नजर आ रही है, यहाँ आपका फुल लेंथ कवर्ड ये आपको प्रोवाइड कर कर देंगे। इसके बाद ये आपको अटैच यहाँ एक वॉशरूम नजर आएगा, फुल लेंथ आपको यहाँ टाइल्स नजर आएंगी, ये आपको एज इट इज मिलेगी। जितनी भी फिटिंग्स देख रहे हैं आप ये सारी ब्रांडेड फिटिंग्स की गई हैं। नाउ लेट्स गो टू दी थर्ड बेडरूम।
सो ये हमारा थर्ड बेडरूम है, यानी हमारा स्टडी रूम है। इस रूम से आपको अटैच एक बालकनी मिलेगी। रूम में अटैच आपको एक स्पेस नजर आएगी। इस स्पेस को आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह यूज कर सकते हैं। अपने बच्चों के लिए यहाँ एक अलमीरा बना सकते हैं, यहाँ उनके लिए बुक्स वगैरह का स्टोर कर सकते हैं। इससे अटैच आपको एक वॉशरूम मिलेगा, जहाँ पे आपको एंटीस्किड टाइल्स, फुल लेंथ वॉल टाइल्स विथ ऑल ब्रांडेड फिटिंग्स मिलेंगी। तो अब हम चलते हैं अपने फोर बेडरूम की तरफ। आपकी पूरी प्राइवेसी में ध्यान रखते हुए जो ये हमारा गेस्ट रूम है, इसकी एंट्री हमें हमारे फ्रंट डोर से ही मिलेगी। सो दिस इज आ गेस्ट बेडरूम। गेस्ट बेडरूम से अटैच आपको यहाँ एक बालकनी मिलेगी। इस रूम के साथ अटैच आपको एक वॉशरूम मिलेगा, जहाँ पर भी फुल लेंथ वॉल टाइल्स यूज की गई हैं, एंटीस्किड टाइल्स। इस वॉशरूम की एंट्री दो साइड से है, हमारा लिविंग रूम से भी और हमारे गेस्ट रूम से भी। तो कृतिका मैम आपके लिए पूरा प्रोजेक्ट का मॉडल एक्सप्लेन करेंगी। जो भी हमारी व्हीकलर मूवमेंट रहेगी वो इस पेरिफेरल रोड पे रहेगी। इसी रोड पे हमारे पास ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स दिए गए हैं। अगर किसी को ड्रॉप करना है वो आपको यहाँ ड्रॉप ऑफ पॉइंट पे ड्रॉप करके सेकेंड रैप इस कॉर्नर पे है, वहाँ से भी बेसमेंट में आ सकते हैं, या हम इसी रोड से एग्जिट रहेगा हमारा। Now, if we talk about the amenities, जितना भी आप अंदर एरिया देखते हैं, जिस ओपन एरिया हमारे प्रोजेक्ट में मोर देन 80% एरिया आपको ओपन मिलेगा। एंड फॉर एवरी एज ग्रुप वी आर हैविंग डिफरेंट गार्डन्स, पार्क्स, लॉन्स। सो आफ्टर दैट वी आर हैविंग वन ओपन जिम, जो कि यहाँ पे मिलेगा। अगर ओपन जिम की कोई भी आपको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है आप यहाँ कर सकते हैं। नाउ कमिंग ओवर टू ओल्ड एज, वी आर हैविंग अ डेडिकेटेड जेन पार्क ओवर है, जो एक जैपनीज कंसेप्ट के साथ ओल्ड एज पार्क रहेगा। यहाँ पे आपके डिफरेंट स्कल्पचर्स वगैरह बनाए जाएंगे फॉर ओल्ड एज, उनके बैठने का अरेंजमेंट होगा, वो सब यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि फ्लैट आपका हो तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर आ रहा होगा, उन्हें कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको यहाँ विजिट कराएगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और सैंपल फ्लैट के साथ आपको वीडियो दिखाती रहूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। साइनिंग ऑफ।